नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Zero 5G versus EQ Z6 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Zero 5G में 6.64 इंच जबकि Z6 Pro 5G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Zero 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Zero 5G में 3.01 इंच जबकि Z6 Pro 5G में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Zero 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Zero 5G में 0.34 इंच जबकि Z6 Pro 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Zero 5G में 199 ग्राम जबकि Z6 Pro 5G में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Zero 5G में IPS LCD जबकि Z6 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Zero 5G में 20:5:9 जबकि Z6 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Zero 5G में 6.78 इंचेस जबकि Z6 Pro 5G में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Zero 5G में 1080x2460 और Z6 Pro 5G में 1080x2404 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Zero 5G में 84.71% जबकि Z6 Pro 5G में 85.19% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Zero 5G में 396 पिक्सल प्रति इंच जबकि Z6 Pro 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Zero 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Z6 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Zero 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Z6 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Zero 5G में Mali G68 MC4 जबकि Z6 Pro 5G में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Zero 5G में MediaTek Dimensity 900 MT6877 और Z6 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो Zero 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि Z6 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Zero 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Z6 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Zero 5G में अप टू 256GB जबकि Z6 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Zero 5G में Android V11 जबकि Z6 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Zero 5G में 5000 mAh जबकि Z6 Pro 5G में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 05G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z6 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो इन्फिनिक्स 05G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इक्विस Z6 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Z6 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Z6 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z6 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, तीसरा Infinix 08i है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।